बिहार के गया जिले के टिकारी अनुमंडल की कोच प्रखंड की अति थाना क्षेत्र के अररिया बीघा गांव में बीती रात घर में सो रहे वृद्ध दंपति की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर दिया गया। सूचना मिलते ही गांव के सभी लोग एकजुट हुए और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में भेज दिया। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संपत्ति विवाद के चलते वृद्ध दंपति की हत्या की गई है और मृतक जहानाबाद जिले के निवासी हैं। फिलहाल इस गांव में किराना की दुकान चलाते थे। दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है और ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं टिकारी डीएसपी ने बताया कि सुबह में दोनों दंपति का शव मिला। इनके तीनों पुत्र अलग अलग रहते थे। प्रथम दृष्टा से संपत्ति विवाद लगता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अनुसंधान किया जाएगा। किसाव और उनकी पत्नी तपेश्वरी देवी, जिसकी उम्र 70 साल थी, अपने गांव की दुकान में, छोटी सी दुकान है, उसी में लोग रात में सोए हुए थे। सुबह में उन लोगों का शव मिला। दोनों का गर्दन काट के हत्या किया। दोनों वृद्ध जो व्यक्ति हैं, इनके तीन पुत्र हैं और तीनों इसे अलग रहते हैं। प्रथम दृष्टया संपत्ति विवाद लगता है। जी जी, पुलिस अभी तक क्या की है पोस्टमार्टम? सूचना पर पुलिस हम लोग गए थे जी, और इंक्वेस्ट करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेज दिए। जी जी, पोस्टमार्टम के लिए आया है और आगे हम लोग जाँच और अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में घर के अंदर और बाहर दोनों तरह के लोग हो सकते हैं घटना में? अभी जो संभावित बिंदु है उसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं।